So hello guys, once again welcome to my YouTube channel. So I hope you all are safe and healthy at your homes during this pandemic year. So if I talk about today's subject or today's aim, that what we are going to discuss about. So it's all about the face, password and fingerprint. So let's start our video without wasting any more time. I hope you will watch the full video till the end. So let's go to my screen. So first of all we have to click on the icon of settings. So here we go. And there's an option, if you're moving toward, there's a fingerprint, face and password. So click on that option. Now fingerprint, aisa interface aapko dekhne ko milega. Aur abhi hum pehle fingerprint ke baare mein baat karte hain. So fingerprint ka kya hota hai ki hume isko ye unlock likha hai, so hum isko on karna hoga taki ye enable ho jaye. Ab jo hamara fingerprint hota hai, agar in case agar wo hamari jo fingers hoti hain wo work na kare, yani ki jo prints hai maybe wo appear na ho achhi tarah se, to ek password hota hai taki jisse hum mobile phones ko emergency ke time open kar sake agar hamari fingerprint jo hai wo use nahi ho paye to. So abhi isko enable kiya. यहाँ पे वो 4 डिजिट पासवर्ड मांगेगा, 6 डिजिट पासवर्ड, पैटर्न मांग सकता है या फिर सेट योर ऑन अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड. सो अलग अलग मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो सकते हैं. 4 डिजिट पासवर्ड में कोई भी 4 डिजिट, लाइक 4 डैश है यहाँ पे, इसको अनलॉक फिर से करते हैं. 6 डिजिट पासवर्ड, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे 6 डिजिट पासवर्ड हैं. सो अब फिर कैंसिल करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं. पैटर्न, अब हम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग हम कोई भी पैटर्न है जो वो यहाँ पे दे सकते हैं. इसको कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं. एक और ऑप्शन है यहाँ पे, सेट योर ऑन अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड. अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में आप कीवर्ड्स और नंबर्स दोनों ही ऐड कर सकते हैं. सो इसको भी हम कैंसिल करते हैं, लेकिन आपको करके दिखाना है. सो मैं पैटर्न का चूज़ करूँगा, अभी मैंने ये वाला चूज़ किया. सो इसके साथ हम वेरीफाई द न्यू पासवर्ड, यानी कि जो अभी मैंने पासवर्ड किया है करंटली उसको वेरीफाई करना है दोबारा से कि मुझे वो पासवर्ड याद है कि नहीं. सो अभी हम फिर से करेंगे लाइक हमने ऐसे बनाया था. सो सेम पैटर्न, रजिस्टर अ फिंगरप्रिंट. ओके, प्लेस योर फिंगर्स ऑन द फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन द बैक ऑफ द मोबाइल फ़ोन. सो अभी हमें रखना है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे जो फिंगर्स के प्रिंट हैं, मैंने फोर फिंगर ली है अपनी राइट हैंड की. सो अभी इसमें सारा जो प्रिंट्स है वो मेरे आ रहे हैं, एज यू कैन सी. सो कंटिन्यू आ गया, प्लेस योर फिंगर, प्लेस द एजेस ऑफ योर फिंगर ऑफ द फिंगरप्रिंट स्कैनर. सो ताकि आप लाइक यहाँ से हर साइड से आपको करना होगा, एंड लिफ्ट योर फिंगर्स आफ्टर यू फील द वाइब्रेशन, रिपीट द स्टेप्स. सो हमें फिर से इस पर क्लिक करना होगा. फिंगर के हर पार्ट को हमें काफ़ी अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि जब भी हम अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो लॉक करेंगे, सॉरी अनलॉक करेंगे, तो हमें इसको क्या पता कौन सी पोजीशन हमारी, हम ऐसे खोलें ऐसे खोलें, ये फिंगर लगेगी, तो हमें हर तरह से अपने फिंगर्स के जो प्रिंट्स हैं वो मोबाइल फ़ोन को देने होंगे. सो अभी हो चुका है, ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हो गया. अब हम देखते हैं कि क्या हुआ. मोबाइल फ़ोन मैंने लॉक कर दिया, अब मोबाइल फ़ोन पर मैंने अपनी फिंगर लगाई तो ये ओपन हो गया, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो लग चुका है. अगर हमें एक और फिंगर ऐड करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी सिर्फ एक ही फिंगर होगी. तो इसको अभी कैंसिल करते हैं. तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, यानी कि ये प्राइवेसी का है और प्राइवेसी में आपको नहीं बता सकता, सॉरी, क्योंकि ये प्राइवेसी में क्या होता है, लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई PDFs, कोई फाइल, कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे ना देखे, आपको पब्लिक नहीं करना, आप प्राइवेट करना चाहते हैं, तो उसका गैलरी में से ऑप्शन होता है जो मैं डेफिनेटली एक वीडियो में आपको बताऊँगा. सो अब इसको कैंसिल करते हैं, बैक करते हैं. अब बात करते हैं फेस की. सो अपनी वही जो हमने पासवर्ड लगाया था वो लगाया, अब फेस का हम अनलॉक करेंगे. अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ उनकी प्राइवेसी पॉलिसी उनके बारे में दिया हुआ है. सो वी हैव टू रीड देम ऑल, एंड बिफोर यूजिंग फेशियल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी, प्लीज कीप द फॉलोइंग इन माइंड. योर फोन मे बी अनलॉक बाय द पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट लुक्स सिमिलर टू यू, यानी जो आप जैसे दिखते हैं उनसे शायद फ़ोन खुल सकता है. एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इज लेस सिक्योर देन अ फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट से कम जो है सिक्योर है. एंड पैटर्न पेन कस्टमाइजेशन अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो हमारे जो लाइक
कजन्स होते हैं या फिर कुछ और मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनकी शक्ल कई बार हूबहू हमारे जैसी दिखती है, जिससे कई बार फ़ोन खुल सकता है, और ये मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। सो ये यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, मुझे सारे पता है। सो अभी हम इस पर ओके करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लाइक अपना दिया, उसने बोला कि लो हेड करो, ओके हो गया। अब उसने बोला कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, अभी आप ओके कर सकते हो। सो मैंने बैक किया, अब उसने जो फ़ोन ये जो फेस का जो पासवर्ड था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हमारे जो मोबाइल फ़ोन में हो चुका है। सो अभी फ़ोन को ऑफ करते हैं, फ़ोन किया ऑन, मेरा फेस ओपन, ऑफ, फिंगरप्रिंट ओपन, ऑफ, माय फेस ओपन। सो अभी हम चलते हैं हमारे जो स्क्रीन लॉक है, कि आप स्क्रीन लॉक कैसा लगाना चाहेंगे। अब स्क्रीन लॉक वही है जो हमने ये वाला लगाया था, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं लाइक वही है सारी चीज़ें अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड पैटर्न में, 6 डिजिट में, 4 डिजिट में, या फिर आप स्वाइप भी सिंगल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं स्वाइप पे करूँ, सो इसमें आया आफ्टर लॉक स्क्रीन पासवर्ड इज डिसेबल्ड द फंक्शंस ऑफ फिंगरप्रिंट एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन विल बी डिसेबल्ड। क्योंकि अगर नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि जो फेस का और फिंगरप्रिंट का मैंने ऑप्शन मुझे लगाया है, तो अगर मैंने वो डिसेबल हो जाएंगे अगर मैं स्वाइप का ऑप्शन ऑन करूँगा, क्योंकि स्वाइप उसमें कुछ पासवर्ड नहीं होता है, स्वाइप एज अ सिंगल कि हमें टच करना है और तभी हमारा फ़ोन जो ओपन हो जाएगा। तो इसमें फिंगरप्रिंट और उसकी सॉरी ये जो फेस है तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन की तो फिर कोई ज़रूरत है ही नहीं, जो फ़ोन ऐसे ही खुल जाना है, सो इसलिए वो डिसेबल हो जाएगा। सो अगर बात करें नेक्स्ट की, प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन, ये भी वही चीज़ है जो हमारी प्राइवेसी होती है, तो जो मैंने बताया था कि पब्लिक नहीं रखनी, हमें प्राइवेट रखनी है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो इसको अभी हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि उसके लिए पासवर्ड चाहिएगा और वो आप सभी को पता चल जाएगा, सॉरी। और वैसे भी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बना के पक्का डाल दूंगा 100%। सो मेक विजिबल पैटर्न, मेक विजिबल पैटर्न का मतलब है कि अभी मैंने फ़ोन किया ऑफ, अभी अगर मैंने फ़ोन बिल्कुल मेरे पास किया तो ये ओपन हो जाएगा। सो ऐसे करते हैं इन केस अगर मेरा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ना हो, अभी नहीं हुआ, ऑफ फिर हो गया, ओके अब ऐसे रखें, ओके अब आ गया है मेरे पासवर्ड, पासवर्ड में, अरे यार, तो अभी पासवर्ड में क्या होगा, जो ये लाइंस हैं वो हमें विजिबल होंगी, ओके और अगर मैंने उसको ऑप्शन को ऑन किया था तो इसलिए हुई ना, लेकिन अगर मैं उसको ऑफ रखता तो ये ऐसा विजिबल नहीं होता। सो वापस ऑन करेंगे, ओपन किया, मेक पैटर्न विजिबल था, मैंने ऑफ कर दिया, वो इनविजिबल हो चुका है। सो अभी ऑफ किया फ़ोन, ये देखो, सो अभी आपको जो पैटर्न है वो विजिबल नहीं था, वो ओपेक था। सो अभी हम नेक्स्ट अपना जो पैटर्न है वो देखते हैं, टैप द फिंगरप्रिंट आइकन टू कैप्चर, कि कैप्चर में क्या, कि जो आपकी फ़ोटो होगी कैमरा में, अगर आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो हमारी फ़ोटो है वो क्लिक हो जाएगी। सो एक ये भी करके देखते हैं ऑपरेशन, अभी हम कैमरा ऑन करते हैं। सो अभी मैंने किया ऑन, यहाँ से मैंने क्लिक करा, फोटो क्लिक हो गई, फिर एक और दिखाता हूँ, क्लिक। सो ये था हमारे इसके बारे में, कि आप कैसे सिर्फ पीछे से फिंगरप्रिंट से अपनी जो फिंगर रख के एक फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। सो अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो वो भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये वाला ऑप्शन ऑफ करना होगा। सो इसमें इसको ऑन रखता हूँ, स्लाइड डाउन द फिंगरप्रिंट आइकन टू डिस्प्ले द नोटिफिकेशन सेंटर। नोटिफिकेशन सेंटर क्या होता है, जो हमारा ये वाला ऊपर से आता है, जिसमें जो जिसको डैशबोर्ड भी कुछ लोग बोलते हैं शायद, और इसमें जो अलग अलग जो हमें नोटिफिकेशन होते हैं हर तरह के, वो इसमें आते हैं। सो अभी इसको नीचे लाने का एक और जो यहाँ पे ऐसे नीचे लाने का एक और जो वे होता है, एक और तरीका होता है, सो वो होता है कि जो आपका फिंगरप्रिंट है उसको ऐसे नीचे करो, ऐसे। सो ये आ गया, अब मैं इसको ऊपर किया, इसको अगर आप नीचे करोगे तो ये आ गया, इसको ऊपर करोगे तो गया, यानी कि स्क्रीन जो फिंगरप्रिंट है हमारा, फिंगरप्रिंट की जो छोटी सी स्क्रीन है इसमें हमें ऊपर नीचे
तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो गाइज इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो. इतने ही थे इसमें ऑप्शन जो हमारी पासवर्ड और इसमें फेस के बारे में, हमारे फिंगरप्रिंट के बारे में थे. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और उनको बोलें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें. तभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है कि वीडियो आगे बनाऊं. तो जिस भी वीडियो पे मुझे ज़्यादा लगेगा कि उस पर ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो मैं उसे उस टाइप की वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगा. अभी मैंने टेक्निकल जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है, लेकिन मेरे पास और भी काफ़ी तरह की प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल के पास हैं. जैसे कि आप अगर चाहे तो एनिमल की फैक्ट सीरीज देख सकते हैं, लैंड एनिमल्स की, या फिर आप देख सकते हैं लाइक एक्वेटिक एनिमल की फैक्ट सीरीज, कुछ फनी वीडियोस, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर, लाइक मोटिवेशनल क्वोट्स एंड सम. मैं आगे जाके अभी शायद आज से ही या कल से जो अपने एक गेम के हैं, जो गेम्स वगैरह के भी वो जो हमारे एनिमेशंस होते हैं, तो वो भी मैं इसमें काफ़ी जल्दी ऐड करूँगा. और लेकिन उसको मैं अपने फ़नी वीडियोस में ही डालूँगा जो शॉर्ट्स होते हैं. सो कुछ कुकिंग वीडियोस है मेरी, आप वो भी जाके ट्राई कर सकते हैं. और स्टडी मटेरियल है 12th क्लास.